ये हमारे शेफ द्वारा जो चटनी बनाई है, अभी शेफ से पूछते हैं कि ये चटनी कैसे बनाते हैं। शेफ मोहन से हम आपको मिलाते हैं। नमस्कार, मैं मोहनचंद भट्ट, लेमन ट्री गुड़गांव। शेफ, आपने जो ये चटनी बना रखी है तो इसके बारे में बताया कि कैसे बनाई है आपने। जी, ये होममेड चटनी हमने इसका प्रिपरेशन कल ही किया हुआ है। ये है हमारी गार्लिक चटनी, ये है बीटरूट चटनी, और ये देखिए आप, ये है हमारे पाइनएप्पल की चटनी, और ये है टमाटो चटनी, और ये होममेड पिकल हमने कुछ प्रिपरेशन करके अच्छे से हमने बना रखा है। ये है हमारा टिंडे का अचार। आपने कैसे बनाया? टिंडा हमने काटा, उसके बाद हमने इसको इसका मैरिनेशन अचार मसाला इसमें डाला, इसमें सरसों का ऑयल डाल रखा है, अजवाइन का तड़क अजवाइन डाल रखा है इसमें, उसके बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए सुखा रखा है। जैसे कि अच्छा एक नंबर, और ये हमारा है कच्चे पपीते का अचार। यस सर, कच्चा पपीता, बहुत प्यारा सा अचार, इसका इतना प्यारा टेस्ट है, बहुत अच्छा है। इसकी भी हमने पहले कच्चा पपीता छीला, उसका काटा हमने, उसके बाद हमने इसको मसाला मिला के पूरे। ये हमारे ग्रीन चिल्ली का, ग्रीन चिल्ली, ये बहुत इसका भी बहुत प्यारा टेस्ट है। ये भी हमने पहले काटी है, उसके बाद हमने इसको सरसों का ऑयल, अजवाइन, रोस्ट करा है, रोस्ट कर रखा है, उसके बाद हमने थोड़ी देर इसको सुखा रखा है कि जिससे कि इसमें इसमें अच्छा सड़े ना और अच्छा सा खिला रहे। और हमारे गोभी का है कॉलीफ्लावर, बहुत प्यारा है, जो होममेड है सारा। और हमने चटनी बीटरूट की बना रखी है, हमने गार्लिक पहले गार्लिक चटनी हमने सोते किया हुआ है गार्लिक को, इसमें हमने धनिया की रूट और जिंजर, और इसमें हमने बहुत से डाल रखे हैं, हमने बना रखा है गार्लिक बीटरूट का। हमने सबसे पहले बीटरूट हमने तंदूर में सेका हुआ है, उसके बाद हमने इसको अच्छे से प्रिपरेशन गार्लिक, इसमें जिंजर, इसमें पुदीना, मिंट, सबका फ्लेवर डाल के इसको बढ़िया से बना रखा है। ये हमारा है पाइनएप्पल का, ये सबसे प्यारा प्यारा सबसे प्यारी चटनी हमने पाइनएप्पल की लगी। इसको हमने रोस्ट कर रखा है तंदूर में, उसके बाद हमने इसमें इमली का पानी, थोड़ा ऐड शुगर कर रखा है, खट्टा मीठा टेस्ट बड़ा कर रहा है। ये हमारे टमाटर की चटनी तो आमतौर से हर किसी के घरों में बनती है, ये सबसे प्यारी ये भी प्यारी होती है। बाकी हमारा काउंटर बहुत प्यारा प्यारा है, कोल्ड का काउंटर हमारा, इसमें यस सर, ये सैलेड है, इधर अच्छे से अच्छे सैलेड रहता है हमारा। ये हमारा ड्रेसिंग कितनी प्यारी है। ये हमारा टमाटर धनिया शोरबा, सब आप बताओगे टमाटर धनिया शोरबा आपने कैसे बनाया? शोरबा सबसे पहले टमाटर लेने हैं एक किलो, हमने उसको हमने उबालना है देगी मिर्च डाल के हल्के से कलर के लिए, उसमें हमने खट्टा मीठा का टेस्ट डाला है, हल्का सा टमाटर केचप ऐड कर सकते हैं जिससे हमें खट्टा मीठा का टेस्ट आए, हम शुगर डाल सकते हैं, सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, उससे प्यारा टेस्ट आता है। और इसमें गार्लिक का तड़का लगा के प्रिपरेशन में तैयार कर देते हैं सर। ये हमारा चिकन मंचाओ सूप, ये चाइनीज सूप है हमारा, इसमें भी तड़का लगाया गार्लिक का और एक चिकन डाल रखा है। ये हमारा स्टार्टर है बेबी कॉर्न मंचूरियन। बेबी कॉर्न को हमने पहले लिया, उसके बाद हमने इसको ब्लांच करा हुआ है, उसके बाद हमने इसको कॉर्न फ्लोर में डीप मैरिनेशन करके और फ्राई कर रखा है ऑयल पे। उसके बाद हमने इसमें चाइनीज ग्रेवी, जो भी हमारी चाइनीज सॉस बनती है, ग्रेवी बनती है, जैसे चिली पेस्ट, ये टोमेटो केचप, चिकन टिक्का, तंदूर का सबसे बेस्ट सिग्नेचर डिश है चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन टिक्का। हमने सबसे पहले मैरिनेशन कर रखा है चिकन थाई बोनलेस, जो भी हमारे यहाँ यूज होता है, उसके बाद हमने इसको तंदूर में रोस्ट करा हुआ है। बड़ा प्यारा प्रेजेंटेशन हमारे शेफ विकेश द्वारा बनाया गया है। ओके सर, थैंक यू। और हमारा मेन कोर्स में, मेन कोर्स इंडियन में मैंने प्रिपरेशन मैंने तैयार किया हुआ है। इसको बनाने में समथिंग मुझे 1-1.5 घंटा लगा। ये इसका मैंने ही तैयार किया हुआ है, बड़ा प्यारा। ये हमारी स्टीम राइस है, आमतौर से स्टीम करके बढ़िया सा इसको, मतलब कितने टाइम पे स्टीम करना चाहिए इसको, कम मिनिमम? सबसे पहले 1 घंटे तो हमने पानी में भिगा के रखना है, ठंडे पानी में, कोल्ड पानी ना कि हॉट पानी में। उसके बाद इसको हमने इसका पानी उबालना है, उसके बाद हमने राइस को डालना है, उसके बाद इसको चलाना नहीं कर, इसमें पलटा नहीं चलाना है, इसमें मतलब टूट भी सकता है, हल्का सा ऑयल डालना है, उसके बाद ये रेडी हो जाता है, बड़ा प्यारा खिलता है। ये हमारा है मूंग दाल तड़का, पंजाबी स्टाइल की मूंग दाल तड़का है, बहुत प्यारी है मूंग दाल तड़का है। आमतौर पर मूंग दाल आजकल बहुत पसंद करते हैं लोग, इसलिए हमने मूंग दाल तड़का प्रिपरेशन पर आज मेन्यू पर डाली। पनीर खुरचन, ये कहाँ की डिश है? पनीर खुरचन ये हमारी है, पनीर खुरचन है, ये हमारा नॉर्थ इंडियन डिश है। खुरचन का मतलब होता है खुरचना, इसको हमने हांडी पे, हमने जो हांडी पे हमने प्रिपरेशन किया है, इसको हमने बहुत देर तक इसको खुरच रखा है, उसमें मतलब उसमें हमने इसको ब्लांच किया, उसमें ऑनियन, टमाटो, कैप्सिकम, उसके बेस से टमाटो हल्की सी सेमी ग्रेवी में हमने बहुत अच्छे गार्निश कर रखी है, और हल्का कलर आपके इसमें अच्छा, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारी डिश है, इसका अच्छे का मतलब नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया। ये है भिंडी भुर्जी, आमतौर पर हमारे घर होममेड हिसाब से हमने बना रखी है भिंडी की भुर्जी, हमारे घर में बनती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पर हमारे गेस्ट इसको, इसलिए हमने होममेड भिंडी भुर्जी बना रखी है। ये हमारी है मसाला खिचड़ी, ये हमारा मसाला खिचड़ी बहुत अच्छा है, ये हल्का भोजन है, इसलिए हमने इसमें मूंग दाल और राइस का मिक्सचर बना के मसाला खिचड़ी बनाई है। होम स्टाइल लौकी, ये हमारे बहुत प्यारी है, घर के स्टाइल बना रखी है ना, इसमें मसाले हैं वो बहुत
बढ़िया है, प्यारी है, हल्के मसालों में है, ओनली सॉल्ट और इसमें हमने हल्दी पाउडर डाल रखा है, बाकी और कुछ नहीं है। एंड वेज फ्राइड राइस, ये वेज फ्राइड राइस चाइनीज की हमारी, और इसके साथ पंजाबी चिकन करी, पंजाब का सबसे प्यारा डिश, इसको स्पाइसी हल्का सा पंजाबी स्पाइसी चटपटा बिल्कुल ऐसा है कि इसको गेस्ट बहुत ज्यादा पसंद करता है। मैं इसको शायद 2-3 बार दे चुका हूँ यहाँ पर और बहुत अच्छा है, गेस्ट को बहुत पसंद भी आता है, इसकी तारीफ भी करके जाते हैं गेस्ट। ये देखिए कितना प्यारा हमारा यहाँ पे सोल पीस का यूज किया गया है हमारे यहाँ पे, और इसमें लेमन का फ्लेवर और सॉस में हमारे क्रीमी सॉस, बहुत प्यारा हमारे यहाँ पे बुफियाज हमारा डिनर का। मैं साहब सैफ मोहन थे, थैंक यू सैफ मोहन, धन्यवाद।